अब देखो एक नंबर है 1729 और मुझे लगता है रामानुजन को तो सब जानते होंगे जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ लो एक तरीके से मैथमेटिक्स का हमको बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक नंबर चूज किया था, ऐसे ही चलते ही शायद किसी टैक्सी ऑटो या किसी बस का नंबर था, और उसको जब देखा तो बोला, उनके दिमाग में चल रहा था उस समय कि क्या इसका क्यूब रूट हो सकता है। तो मैं पूछू तो क्या इसका क्यूब रूट हो सकता है? परफेक्ट क्यूब रूट बनेगा ये? हाँ, किसका किसका हो सकता है? अब देखो उन्होंने किया क्या, जब किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाता है तो करते क्या है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की। जैसे 1729 है तो इसको किस में ब्रेक किया, 1728 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 1728 किसका क्यूब रूट होता है, किसका क्यूब हो सकता है बता सकते हो कोई लोग? इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा तुम्हारा 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 12 का क्यूब हो गया 1728, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी 1729 को ब्रेक करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर इस परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए उन्होंने इसको दो पार्ट में तोड़ा, और भी क्या किया उसको दूसरे मेथड से दो पार्ट में और तोड़ा। कौन सा था वो? अब जैसे मैंने बताया अभी था 1729 या मतलब कोई भी ऐसा डिजिट हो जिसको हजार यानी जीरो की संख्या में तोड़ना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 729। अब तुम्हें पता होगा कि 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, और 729 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हमारे मैजिक नंबर थे जिसको हमने दो पैटर्न में तोड़ के इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके चाहे तो क्यूब रूट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। 1000 तुम्हारा 10 का क्यूब हो गया और 729 तुम्हारा 9 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसमें और भी ऐसे कई सारे डिजिट थी, ठीक है, जैसे था 4104। अब 4104 को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें तोड़ सकते हैं? इसको किस में तोड़ सकते हैं? एक तो तुम्हारा 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और तुम्हारा एक हो जाएगा 16 का क्यूब, ठीक है। और 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का क्यूब कितना होता है, 104 होगा 16 का क्यूब। अरे ये तुम्हारा 4104 है, इसमें से माइनस 8 कर दो कितना आएगा, 14 में से 8 गया 6, यहां कितना बचा 9, और ये हो गया तुम्हारा 0 और ये हो गया तुम्हारा 4, यानी 4096। यानी इसको हम तोड़ सकते थे 8 प्लस 4096, ठीक है। दूसरा नंबर था
1, 3, 8, 3, 2, 1, 3, 8, 3, 2, ठीक है। इसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया इसने, 1, 3, 8, 3, 2 को इसमें किया 18 का स्क्वायर क्यूब और प्लस 20 का क्यूब। अब 20 का क्यूब सबको पता है कितना होता होगा, बता सकते हो? 8000। और 18 का, अरे बताओ भाई, 18 का कितना होगा? 8000 कर दो, कितना आएगा? 2, 3 और यहाँ पे 8 और दिया जाएगा 5, 8, 3, 2, ये हो जाएगा।